हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल। मैं सुशील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 के बच्चों के लिए काफी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल लेकर के आ चुके हैं। तो इस सीरीज में हम काफी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम को वेस्ट किए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेकर के आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे इस प्रकार की कॉम्बिनेशन दी गई है रेजिस्टेंस की, इसको आपको इस प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके आपको यहाँ पे बतानी है। यहाँ पे जो ये एमिटर कनेक्टेड हुआ है, आपको पता है एमिटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट की जाती है, तो इस एमिटर पे कितनी रीडिंग आएगी आपको पता होना चाहिए कि एमिटर किस चीज की रीडिंग देती है। तो आप बोलेंगे सर एमिटर जो है हमें इलेक्ट्रिक करेंट की रीडिंग देती है। दैट मीन्स इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन रेजिस्टेंस से गुजरते हुए एट दी एंड इस एमिटर में कितनी करंट आने वाली है, ये हमें सवाल में निकालना है। देखिए काफी आसान है, इस तरह के सवाल को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इस अप्रोच को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो जब दो रेजिस्टर एक वायर से कनेक्टेड रहती है तो हम उसको सीरीज मानते हैं। तो ये देखिए 3 ओम और 3 ओम दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 ओम। तो अब हम इस फिगर को किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए अब इस फिगर को हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। बताइए इस प्रकार से बना सकते हैं, 3 और 3 सीरीज में, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या हो जाता है बच्चों, रेजिस्टेंस इन सीरीज हमेशा ऐड हो जाती है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ओम। और इसके साथ देखा जाए तो इस देखिए करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, यहाँ पे करंट जाकर के स्प्लिट हो गई है। जब भी करंट हमारे स्प्लिट होता है तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों तो एक ही वायर थी, तो इसको सीरीज में हमने कनेक्ट करके 6 ओम निकाल लिया है, और ये जो नीचे वाली पार्ट है ये कितनी ओम की है, ये 3 ओम की है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी है बच्चों, ये दोनों अब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में किस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होती है, तो इसको हम निकालते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस इन पैरेलल इसको मान लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की फॉर्मूला होती है R1 × R2 / R1 + R2। तो हम लोग लिख लेते हैं R1 × R2 / R1 + R2। तो यहाँ पे देखा जाए R1 कितनी है, 6 है, तो 6 × 18 / 6 + 3 = 9। तो इसको जब हम लोग काटेंगे बच्चों तो 2 ओम की हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिली है। अब फिर इसकी हम डायग्राम को रीडायग्राम करेंगे तो अब हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन चुका है बच्चों, देखिए इस प्रकार से हमारा डायग्राम बन चुका है। और यहाँ पे ये हमारे क्या लगा हुआ है, सेल लगी हुई है। दैट मीन्स ये हमारे कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया 2 ओम, और ये कितना है 0.5, और ये कितनी है 0.5। तो अब हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R equivalent is equal to 0.5 + 2 + 0.5, that means ये कितने के बराबर हो गया बच्चा, 2 ohm। that means R equivalent हमारा इस combination में कितना आया, 3 ohm आया। अब हमें क्या निकालनी है, इसमें current कितनी जाएगी, आपको voltage दिया गया तो ohms में लगाएंगे, V is equal to IR, that means I is equal to V/R। वोल्टेज कितनी है बच्चों, वोल्टेज 3 वोल्ट दी गई ऑलरेडी, और रेजिस्टेंस जो हमने निकाला वो 3 निकाला, तो हमारे साथ करंट जो दौड़ने वाली बच्चों वो 1 एम्पियर की करंट दौड़ने वाली है। तो काफी आसान था, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, चलिए देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है हमारा, यहाँ पे ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस कंपनी। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये वाला हमारा 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे फिगर में दी गई, आइए देखें किसे इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे हम लोग आते थे देख रहे कि एक वायर जो यहाँ से कनेक्टेड है, करंट यहाँ पे हमारे स्प्लिट हो गई, जैसे ही करंट स्प्लिट होती है तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। दैट मींस ये वाला जो हमारा वायर, ये वाली वायर देखिए बच्चों किसके साथ कनेक्टेड, इसके साथ, दैट मींस ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। और जैसे ही करंट यहाँ पे आती है तो हम देख रहे हैं बच्चों की इसकी जो करंट यहाँ पे आई ये फिर से स्प्लिट हो गई। दैट मींस ये तीनों का तीनों रेजिस्टेंस आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल हो गए। क्यों पैरेलल हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वायर्स को लेकर के कनेक्ट कर दिया। इस केस में इसकी डायग्राम किस प्रकार से बनेगी, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, इस प्रकार से हमारी बन जाएगी।
इस प्रकार के हमारे डायग्राम बनेंगे। और ये बचा हुआ आखिरी वाला जो हमारा, ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा 6 ओम हो गया, ऊपर वाला हमारा 20 ओम, ठीक है, फिर नीचे वाली हमारी फिर से 20 ओम, और ये बचा हुआ नीचे वाला 10 ओम। अब इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना काफी आसान हो चुका है, क्योंकि हमको पता है जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला होता है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 प्लस 1 बाय आर 3। वैल्यू पुट कर देते हैं, आर 1 कितना है बच्चों हमारा 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 10, ठीक है, तो दैट मींस 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, याद है एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, एलसीएम देखिए हमारे क्या ले सकते हैं, एलसीएम 20 ले सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, दैट मींस आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों, 4 अपॉन 20, 4 कितने बार में जाएगा बच्चों, 5 टाइम में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 ओम, है कि नहीं, इस पूरी इक्विवेलेंट की 5 ओम आ गई। अब इसके साथ ही किसमें है, सीरीज में है, दैट मींस हमारा टोटल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 11 ओम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, काफी आसान है, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पर अगला सवाल है, आप इसको देख सकते हैं, बताइए कैसे ये सॉल्व होगी। देखिए ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान ये सवाल आपके स्क्रीन पर है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखिए फिगर आपको देख करके जरूर डर लग रहा होगा, लेकिन काफी आसान है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम लोग। तो देखिए इस फिगर को हम लोग किस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको हम कुछ इस प्रकार से जब खींचेंगे तो इस पॉइंट से ये कैसे लगेगा, ऐसे आ जाएगा। अब इसको फिर और खींचेंगे बच्चों, तो देखिए ये दोनों जो वायर है, ये दोनों जो रेजिस्टर है हमारे, ये रेजिस्टर एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, दैट मींस हम ऐसे कह सकते हैं ना, मान लीजिए कि पॉइंट ए है, दैट मींस ये दोनों एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, तो हम कर देते हैं इस रेजिस्टर को एक वायर के साथ कनेक्ट, तो हमने कर दिया, रेजिस्टेंस लिख देते हैं 4 ओम और 8 ओम, है कि नहीं। अब नीचे वाले एंड में आइए बच्चों, एक ही वायर के साथ कनेक्टेड है, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 4 और 8, क्लियर है बच्चों। अब इसको देखिए, अब इसको क्या करना है, बस कनेक्ट करिए और पॉइंट बी निकाल लीजिए, ए और पॉइंट बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस हो, अब फिगर काफी आसान हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी 12 ओम हो जाएगी, सर ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, इसकी 12 ओम हो जाएगी, सर आर इक्विवेलेंट अब मैं निकाल लूंगा, सर काफी आसान है, कैसे आसान है, आर वन इंटू आर टू, तो आर वन कितना है 12 ओम, दैट मींस 12 निकल करके आ जा रहा है। उम्मीद है बच्चों आपको पसंद आ रहा होगा, इसी प्रकार के लेक्चर आपको चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ जो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी है वो सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए और कुछ क्वेश्चन लेंगे हम। तो आइए बच्चों एक और सवाल आपके स्क्रीन में, सवाल देख करके घबराने की कोशिश मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमारा पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये, इसके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के रजिस्टर की जाल सा बिछा दिया गया आपके लिए, और इसी जाल को पार करके आपको सोल्यूशन को निकालनी है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो एक बात यहाँ पे बच्चों ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो करंट जा रही है, करंट ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी, फिर करंट कुछ ऐसे जाएगी, फिर ये जो स्प्लिटेड करंट है फिर दोबारा स्प्लिट हो जाएगी, और एक करंट का पार्ट इस साइड चली जाएगी, फिर यहाँ से एक करंट इस साइड, एक करंट इस साइड, फिर ये करंट का माइन होकर के यहाँ से करंट आ जाएगी। देखने में तो हमें ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बच्चों हमेशा एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढती है, करंट को हमेशा एक छोटा रास्ता चाहिए उसे प्रोपगेशन के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए, ठीक है ना, तो छोटा से छोटा रास्ता वो ट्रेवल करेगा, नो मैटर कैसी कंडक्टर उसके पास लगी हुई है वो उसको छोड़ करके भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसको रास्ता छोटी चाहिए, ये अपने लाइफ में भी शॉर्टकट ही ढूंढता है। तो यहाँ पे जो करंट हमारी कुछ इस प्रकार से जाएगी, तो यहां से करंट जो है बच्चों ये करंट स्प्लिट नहीं होगी, क्योंकि आगे ये रजिस्टर यूजलेस है,
इस रजिस्टर को आगे कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया गया, तो ये रजिस्टर यूजलेस है, करंट यहाँ पे नहीं फ्लो करेगी, करंट टोटल हमारा इसी पाथ में से जाएगा। और यहाँ पे भी हम देखा जाए बच्चों तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करने वाली, यहाँ से फ्लो नहीं करने वाली, करंट फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर अब तो काफी आसान हो गया, ये दोनों रजिस्टर हमारे यूजलेस है तो इसको हम काम में नहीं लेंगे, अब हमें क्या करनी है आंसर निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप जल्दी से वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इसकी सोल्यूशन निकाल करके हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हुआ बच्चों? नहीं हुआ, चलिए फिर हम करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे हम जाते हैं तो देखा जाए बच्चों तो ये दोनों रजिस्टर हमने छोड़ रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर आपस में किसमें कनेक्टेड हो गई, सीरीज में कनेक्टेड हो गई, क्योंकि करंट यहाँ से जाने वाले नहीं है तो इसकी काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो बच्चों। और ये रजिस्टर कितना हमारा 2 ओम का है, 2 ओम की ये रजिस्टर है। तो बच्चों ये जो है हमारा ये तीनों का तीनों किसमें कनेक्टेड है, आप बोलेंगे सर ये तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 2 2, दैट मींस 6 ओम, ठीक है ना, ये कितना हो गया बच्चों 6 ओम। अब फिगर जो हमारा कैसा बन रहा है बच्चों, फिगर हमारा ऐसा बन रहा है, देखिए ये टोटल इक्विवेलेंट कितना आ गया 6 ओम आ गया, ये भी 6 है। अब आर इक्विवेलेंट दोनों पैरेलल में होगी बच्चों, तो इस कॉम्बिनेशन का हमारा क्या होगा, ये वाले सेक्शन का हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं R1 into R2, that means 6 is a 36 by 6 plus 6 that is 12, तो 12 3 times, that means इसका हमारा 3 ओम आ चुका है। अब अगेन इस फिगर को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमारा फिगर कैसे बन जाएगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से है कि कुछ इस प्रकार से फिगर बन गया, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, तो ये दोनों कितने कितने ओम की थी बच्चों 1 ओम 1 ओम, और ये कितनी निकाली हमारी 3 ओम, दैट मींस अब हमारा R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों 1 3 1, दैट मींस इट इज इक्वल टू 5 ओम। तो ऑप्शन देखिए 5 ओम का है, ऑप्शन है करेक्ट। तो आइए बच्चों एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देख लेते हैं, इसी प्रकार के सवाल NTSC के एग्जाम में आ चुके ऑलरेडी, तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आने की संभावना है, हम हर लेवल की क्वेश्चन करके आपको दिखा रहे हैं बच्चों, ऐसी वीडियोस आपको क्लास 10th के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलने वाली है, तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है द कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इफ रेजिस्टेंस इज इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 ओम फाइंड एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हुए बच्चों बताना है कि ये जो एक्स रेजिस्टर है, ये एक-एक रेजिस्टर जो लगे हुए सारे, देखिए सारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं बच्चे यहां पे, सारा जो रेजिस्टर यहां पे लगी है उसकी एक्स ओम की सारी रेजिस्टर लगी हुई है, तो आपको ये बताना है कि एक्स की वैल्यू है कितनी इस सवाल में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। तो यहां पे बच्चों जब हम देखने वाले तो हमको ये बताया गया कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो दी गई ऑलरेडी 3 ओम, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाला जाएगा चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हमको आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं बी के बीच में, तो देखिए बच्चों करंट यहां से स्प्लिट होने वाली थी एक्स ओम, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो वायर है एक वायर यहां पर कनेक्ट हो रही है और ये वायर दूसरी वायर, दैट मींस ये दोनों आपस में किसमें बच्चों पैरेलल में, तो ये जब ये दोनों पैरेलल में होगी बच्चों तो आर इक्विवेलेंट इन दोनों का क्या होना चाहिए, इसका हम आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो दैट मींस हम ऐसे लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर इज इक्वल टू क्या लिखे बच्चों 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स, दैट मींस 1 बाय आर इज इक्वल टू 2 बाय एक्स, दैट मींस आर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों x/2, दैट मींस ये दोनों की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बच्चों x/2, यहां तक क्लियर है। अब देखिए ये जो है बच्चों अभी एक लाइन बन जाएगी, फिगर को रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ये हमारी कुछ इस प्रकार से आ गई है, ठीक है बच्चों देखिए कुछ इस प्रकार की फिगर अब हमारे पास बन चुकी है, पॉइंट बी पॉइंट ए। अब हम यहाँ पे एक और चीज देख रहे हैं बच्चे की वायर जो है यहाँ पे स्प्लिट हो चुकी है, ठीक है ना, स्प्लिट हो चुकी है, ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हमें देखने को मिल रही है ना, और ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आई x/2 आई है, ये एक्स है, तो इसके अब बच्चों क्या करने वाले, इसके निकालेंगे और इसके साथ इसको क्या कर देंगे सीरीज कर देंगे, तो इसकी आर इक्विवेलेंट कितनी होगी, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, दैट मींस 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखे बच्चों 1 बाय x/2 प्लस 1 बाय x, इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय x/2 है बच्चों, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, दैट मींस 2 बाय x
प्लस वन बाई एक्स। एलसीएम हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स और ऊपर आ जाएगा थ्री, दैट मीन्स आर इक्विवेलेंट इसका कितना आ जाएगा बच्चों, उल्टा कर देंगे हम इसको तो एक्स वाई थ्री, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना है एक्स वाई थ्री। अब ये एक्स वाई थ्री इसके साथ क्या बच्चों सीरीज में है और इसका वैल्यू क्या है एक्स, इसका वैल्यू एक्स है। अब ये दोनों हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों का जो फिगर है उस फिगर को अगेन रीड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारा ए है, कुछ इस प्रकार से अब हमारा फिगर बन चुका है कि नहीं बच्चों, बताइए कोई दिक्कत है। इसकी हमने निकाल ली कितनी एक्स वाई थ्री और ये हमारा x, ये भी हमारा x। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कैसे करेंगे बच्चों सीरीज में, तो एक्स वाई थ्री प्लस एक्स ये हो जाएगा हमारा कितना थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, दैट मीन्स ये कितना हो गया बच्चों फोर एक्स बाय थ्री। क्लियर है बताए एक्स वाई थ्री प्लस एक्स, एक्स वाई थ्री हमने लिखा एक्स से ऐड किया एलसीएम ले लिया थ्री एक्स प्लस या थ्री नहीं है तो थ्री एक्स, अब थ्री एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा फोर एक्स बाई थ्री है नहीं, तो फोर एक्स बाई थ्री आ गई बच्चों, इसकी कितनी आ गई फोर एक्स बाई थ्री और ये एक्स है। इसको फिर हम क्या करने वाले पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अब ये दोनों को क्या करने वाले पैरेलल में कनेक्ट करने वाले, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है वन बाय फोर एक्स बाई थ्री प्लस वन बाय एक्स, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों फोर एक्स बाई थ्री है, थ्री को ऊपर फेंकेंगे तो थ्री बाई फोर एक्स प्लस वन बाई एक्स। एलसीएम क्या होगा बच्चों इसका, एलसीएम होगा फोर एक्स, थ्री ऑलरेडी है तो थ्री प्लस फोर दैट मीन्स सेवन बाई फोर एक्स, सेवन बाई फोर एक्स आया। इसको हम क्या करने वाले बच्चों उल्टा करने वाले, क्योंकि आर इक्विवेलेंट पैरेलल की होती है हमारी, तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा बच्चों ये आ जाएगा फोर एक्स बाई सेवन। ठीक है तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए R equivalent is equal to कितना आया बच्चों 4x by 7 आया हमारे पास, और R equivalent question में कितने दिए हैं 3 ओम दिए हैं, तो हम लिख लेते हैं 3 is equal to 4x by 7, that means ये x निकालनी है हमको, तो x is equal to 4 3 जा 21 by 4, तो आंसर हमारा कितना आ गया 21 by 4 which is option C। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी सी टफ है, समझने वाली चीज थी, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था है कि नहीं, तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन अपलोड कर लीजिए, उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया।